हेलो दोस्तों, आज यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी की बुक की बात करने वाले हैं। आप लोग इतनी सारी देखिए बुक लेकर के आए, मैं कैसे नहीं कर पा रहा हूँ। तो डाका नहीं डालना है मेरे रूम पर सबसे पहले, कि बहुत सारी बुक्स रखी हैं। चलो आरजी सर के रूम पर डाका डालते हैं। तो इतने सारी सारी की सारी ज्योग्राफी की आपको देखने को मिलेगी। तो इतनी सारी बुक्स मैं क्यों लेकर के आया हूँ? तो आप लोगों को लोग परेशान करते रहते होंगे, जैसे आपके पास में डीआर कूलर होती होगी तो आपसे कहते होंगे, नहीं ये बेकार है, माजिद हुसैन बहुत बढ़िया बुक है। अगर आपके पास में माजिद हुसैन होती होगी तो कहेंगे, नहीं महेश कुमार बहुत बहुत बढ़िया होती है, वो खरीद के लेकर के आओ। तो ये सारा कंफ्यूजन क्या है? आखिर ये लोचा क्या है? इस लोचे के बारे में भी बताएंगे और कौन सी बुक ज्यादा बेटर है। तो देखिए, पर्सन टू पर्सन ये बैरी करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर स्ट्रेटजी के बारे में भी हम शेयर करेंगे। 2023 पीटी जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं, वो लोग इस वीडियो के साथ में बने रहे, उन्हें बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा आज। और आप लोग के लिए, आप लोग साथ में बहुत कुछ शेयर किया जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये लेटेस्ट बुक अभी महेश कुमार बड़वाल हैं, उन्होंने अपनी रिवाइज इसको फिर से रिलीज किया है, काफी अच्छी है। तो हम अभी खरीद के लेके आए हैं कुछ ही दिन पहले, मतलब 4-5 दिन पहले शायद खरीद के लेकर के आए हैं। और आपको देखने को मिलेगा कि एटलस, देखिए यहाँ पर हम तीन सोर्स यूज करते हैं एटलस के लिए, यहाँ पर मतलब इंटरनेट को छोड़ करके। इसके अलावा आपको ये तीन सोर्स देखने को मिलेंगे, इनके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। इसके अलावा जैसे कि ये बहुत सारी बुक्स, घटना चक्र आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो वन बाय वन हम सभी की बात करते हैं। जैसे देखिए, ये आपको खुल्लर की देखने को मिलेगी, और ये महेश कुमार बड़वाल का जो एनसीईआरटी आपको देखने को मिलेगा 6 से लेकर के 12 तक की, उसकी भी बात करेंगे। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा माजिद हुसैन, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। और बहुत सारी इधर बुक्स और भी रखी हुई है, उनकी भी बात करेंगे। और एनसीईआरटी ए टू जेड आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। ज्योग्राफी से रिलेटेड आप लोगों का बुक को लेकर के या फिर स्ट्रेटजी को लेकर के डाउट नहीं रहने वाला है, और आप लोगों की क्लासेस चलने वाली है सोमवार से, इसलिए वीडियो और भी लाई गई है स्पेशली आप लोगों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर आईएएस जो हमारा प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है, इस पर हम लोग थोड़ी सी ज्यादा बात करेंगे। वैसे हम आपको मेंस भी पढ़ाएंगे, तो आप लोग क्लास ज्वाइन करेंगे तो मेंस के लिए पूरा आपको प्रिपेयर कराया जाएगा, मेंस की आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी, सब कुछ। तो देखिए, मैं 1 सेकेंड आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा दिख जाए तो। देखिए, ये आपको चार्ट दिख रहा होगा थोड़ा सा, आप लोग 480 में देख लिया करिएगा कभी कभार आरती सर को। आप लोग जब गाना आता होगा नोरा फतेह का तो एकदम अल्ट्रा एचडी में चलाएंगे, लेकिन हमारी वीडियो कभी कभार एचडी में चला लिया करिए। तो देखिए, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कि अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो बहुत सारे इसमें पेपर का सब्जेक्ट वाइज दिया रखा है, तो हमें सबकी तो आवश्यकता नहीं है। अभी हम ज्योग्राफी की देख लेते हैं। तो देखिए, ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, ये काफी ब्रॉड देखने को मिलेगा इसमें। देखिए, जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी आता है, इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी आता है, बर्ड ज्योग्राफी आता है। अभी कुछ सालों से अगर आप देखेंगे, पहले का ट्रेंड थोड़ा सा दूसरा था, पहले फिजिकल ज्योग्राफी से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब आपको देखने को मिलेगा कि अप्लाइड ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी है उससे भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब जो फिजिकल ज्योग्राफी है उससे कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अगर आप देखेंगे इसके दूसरे सेक्शन को, जैसे कि एग्रीकल्चर, वो भी ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है, तो एग्रीकल्चर हो गया। इसके अलावा एग्रीकल्चर के साथ में आपको देखने को मिलेगा इन्वायरमेंट, तो एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट से क्वेश्चन लगातार कुछ सालों का अगर हम ट्रेंड देखें तो क्वेश्चन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसमें अगर ज्योग्राफी को हम ऐड करें, इन्वायरमेंट को ऐड करें और एग्रीकल्चर को ऐड करें, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और बहुत सारी चीजें भी इसमें आ जाती हैं, लेकिन उनको छोड़ दीजिए, तीन ही चीज को हम ऐड करते हैं, तब आपको देखने को मिलेगा लगभग में 30 से 35 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो आपका पीटी क्वालिफाई होना एकदम निश्चित तौर पर तय हो जाता है। और अगर आपने पॉलिटी की हमारी क्लास देखी है, तो आपकी पॉलिटी तो एकदम धांसू तरह से तैयार हो रही होगी, अब आपकी ज्योग्राफी भी धांसू तरह से तैयार करा देंगे, तो कोई समस्या नहीं आने वाली। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, देखिए 4th नंबर पे लिखा हुआ है, इधर आप लोग देख सकते हैं लगभग में 12 से 15 क्वेश्चन है वो ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं ऑन एन एवरेज, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए, अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, तो देखिए इसमें इन्वायरमेंट 5वें नंबर पे लिखा हुआ है, लगभग में 20 से लेकर के 15 से 20 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एग्रीकल्चर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, एग्रीकल्चर का डेटा शायद नहीं पड़ा हुआ है, उसे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में दोनों में मिक्स करके इन लोगों ने दे दिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग देखेंगे रिसेंट कुछ ईयर से अच्छे खासे क्वेश्चन एग्रीकल्चर से भी पूछे जा रहे हैं, तो ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, इंपॉर्टेंट तो है, तो हम इसे प्रिपेयर कैसे करें? तो प्रिपेयर करने के लिए दो मोड आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको एक क्लास आकर के ज्वाइन करिए, क्लब आई असिस्टेंट पर आप लोगों की सोमवार से
दोपहर 3 बजे क्लास चलेगी, यहाँ पर पीटी मेस दोनों के लिए पढ़ाया जाएगा। चलिए ये तो कोई बात नहीं है, आप लोग आकर के ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, सभी लोग आराम से आप लोगों को वहां पर पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी मेन चीज है जिसमें हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, देखिए अभी हम अपना कैमरा यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बंद करने वाले हैं। अभी आपके लिए इधर एक्चुअली आप लोग माइंड मत करिएगा, यहाँ पर हम जो आपको इमेज दिखाने जा रहे हैं वो हमारा गद्दा वद्दा ही है, जिस पर क्योंकि बुक्स बुक्स दिखाना था तो हम आपको स्टूडियो पर नहीं पढ़ा सकते थे, तो स्पेशली अलग से रिकॉर्ड की जा रही है, मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। ओके, तो हम अभी कैमरा हाइड करने जा रहे हैं और आपको यहाँ पर कुछ हम इस तरह से दिखाएंगे। देखिए आपको देखने को मिलेगा ये, देखिए ज्योग्राफी सबसे पहले देखिए आप इसको कैसे प्रिपेयर करना है, तो समझ में आ गया कि कितना वेटेज होता है, तो वेटेज तो अच्छा खासा होता है, तो प्रिपेयर कैसे करना है। तो देखिए आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी एटलीस्ट आप लोगों के लिए पढ़ना है, तो एटलीस्ट ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ना है। और एनसीईआरटी कौन सी पढ़े, तो देखिए आपको क्लास 11 और क्लास 12 की आपको दो दो देखने को मिलेंगी। देखिए 12th क्लास में आपको दो देखने को मिलेंगी और 11th क्लास में दो देखने को मिलेंगी है। एक तो हमारी एक कोई चुरा ले गया है तो हमारे पास में अभी नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है। आप वो जैसे भौतिक भूगोल है ऐसे ही एक आपको इंडिया की भी आपको देखने को मिलेगी 11th क्लास की। ये चार बुक है ना, ये मस्ट है, अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आपका जो ज्योग्राफी का फंडामेंटल है ना वो एकदम प्रिपेयर हो जाएगा, और ना केवल पीटी में हेल्प करेगा बल्कि ये जो दो बुक हैं ये आपको मेंस में भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। ओके, तो अच्छे से इनको आप लोग वो प्रिपेयर करना है, नोट्स बनाना चाहते तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहते तो हम भी प्रोवाइड करा देंगे। अगर देखिए कुछ लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि हमें क्या 6 से लेकर के 10 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, तो देखिए अगर आपको डिफिकल्टी आती है ये वाली एनसीईआरटी पढ़ने में, यानी कि 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ने में अगर आपको डिफिकल्टी आती है, तो डेफिनेटली आप 6 से लेकर के 10 तक की भी पढ़ सकते हैं, और हार्डली इनको पढ़ने में आपको 12 से 13 दिन का समय लगेगा, उससे ज्यादा समय आप लोगों को नहीं लगने वाला। तो बहुत फास्ट रिविजन आप लोग करिएगा, पढ़िएगा तो बहुत अच्छे समझ में आ जाती है, टाइम ज्यादा नहीं लगता है, तो 10 से 12 दिन में कवर हो जाएंगी। इनको कवर होने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, लगभग में 10-12 दिन का समय इनमें भी लगेगा, तो ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 12-22 से 23 दिनों में आपकी ये सारी एनसीईआरटी कवर हो जाएंगी। ओके, तो एनसीईआरटी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो ये आपकी नीट के अकॉर्डिंग है। अगर आपको 11th 12th की समझ में आ रही है तो आपको 11th 12th की पढ़ लेनी है, बस सफिशियंट है, मोर देन इनफ है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए 6 से लेकर के 10 तक की भी पढ़ लेनी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समय ज्यादा नहीं देना है। इसके अलावा देखिए इसके साथ में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी, हाँ अगर आप लोग सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए सिलेबस है, एक सेकेंड में आप लोगों के लिए सिलेबस दिखा देता हूँ। तो देखिए ये सिलेबस है, ये पीडीएफ हमने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई है, इसको मॉडिफाई कर दिया है और सारे हमने टॉपिक के सब टॉपिक इसमें हमने बना दिए हैं, तो आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसकी पीडीएफ से आकर के जेरॉक्स निकलवा लीजिएगा, बहुत सस्ती निकल जाएगी, 50-60 रुपए में आपकी निकल जाएगी, इसमें बहुत ज्यादा हेल्प आप लोगों के लिए मिलेगी। ओके, तो इसका भी लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। लेकिन देखिए ज्योग्राफी के साथ में एक और चीज आपको पढ़नी होती है, जैसे कि मैप। मैप से अक्सर अक्सर आपको देखने को मिलेगा, लगभग में क्वेश्चन पूछ लेता है, 3-4 क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। और जब भी आप लोग ज्योग्राफी पढ़े तो मैप हमेशा अपने पास में, एटलस हमेशा अपने पास में रखा करिए। ओके, इस पर प्रैक्टिस करना है, इसको रटना नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ एटलस के नाम बता देता हूँ, एक एटलस आता है ओरियंट ब्लैक स्वान का आता है, स्कूल एटलस से आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये एटलस बहुत अच्छा है। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा ऑक्सफोर्ड का, ये ऑक्सफोर्ड का आपको स्टूडेंट एटलस लेना है, आपको स्कूल एटलस नहीं लेना है, ये स्टूडेंट एटलस लेना है, ज्यादा बेटर आता है। इसका जो भी नया हो, लेटेस्ट हो, वही आप लोगों के लिए लेना है। जैसे ये वाला तो हमारा पुराना है, ये वाला हमारा नया है, तो आप लोगों के लिए जो भी लेटेस्ट हो एकदम आप लोगों के लिए लेना है। और एटलस को कैसे पढ़ना होता है देखिए मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ, कोई एक चीज को खोल करके, जैसे मान लेते हैं ये अपना इंडिया का मैप ही है, तो इंडिया के मैप में जैसे आपको स्टेट देखनी है तो आप लोग इस तरह से घूमा करिए। देखिए आपको दिखाता हूँ मैं एक सेकेंड, जैसे कि ये आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर, इसमें पैन रखिए और इस तरह से आपको घूमते 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 इस तरह से ही आपको रटना नहीं है। तो जैसे जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर से हम आगे जाएंगे तो हमें पंजाब मिलेगा, पंजाब से आगे जाएंगे तो राजस्थान मिलेगा, फिर गुजरात मिलेगा, फिर इधर से
महाराष्ट्र मिलेगा, फिर गोवा मिलेगा, कर्नाटक मिलेगा, केरल मिलेगा, तमिलनाडु मिलेगा, आंध्र प्रदेश मिलेगा, मतलब इस तरह से। तो आपको क्या आपको ये सीक्वेंस भी पता चलेगा और साथ में आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन से तटीय राज्य हैं और कौन से लैंडलॉक राज्य हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। तो आपको हमेशा ऐसे ही पढ़ना है, चाहे बर्ड का हो या फिर कुछ भी हो। आपको जैसे आप इधर पढ़ रहे हैं तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर दे रखी हैं, तो जो भी आप पढ़ रहे हैं तो उसे इसी तरह से आपको बार बार देखना है, घूमना है इस तरह से। अगर आप घूमेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो देखिए, आप इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, लगभग में ये आपको 200 रुपए के अप्रोक्स में मिल जाएंगे दोनों। मतलब एक का प्राइस बता रहे हैं 200 के अप्रोक्स में, थोड़ा कम ज्यादा होता रहता है, तो आप लोग जाकर खरीद सकते हैं। अगर आप लोगों को बहुत डीप में पढ़ना है और अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना चाहते हैं, तो मानचित्र के लिए के सिद्धार्थ तक जाती है। वैसे हमें आप लोगों को पढ़ा रहे तो आप लोगों को खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम आपको इसका जितना भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो हम आप लोगों के लिए पढ़ाते भी हैं। तो आप लोग अगर हमारी क्लास ज्वाइन करते होंगे तो आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस बुक को लेने की। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसमें देखिए हर कॉन्टिनेंट के बारे में और उस कॉन्टिनेंट में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें उनको एक जगह पर दे दिया है और हर चीज को, एक एक चीज को इसमें एक्सप्लेन किया। जैसे देखिए उत्तरी कोरिया इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, दक्षिणी कोरिया क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो सब कुछ इसमें बहुत अच्छे से दिया रखा है। तो मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगती है और ऑप्शनल में मैक्सिमम लोग इसको पढ़ते भी हैं, तो आप लोग भी इसको ले सकते हैं। तो देखिए आपको एक एनसीईआरटी के बाद में आपको एटलस लेना पड़ेगा। इसके अलावा क्या करना है, अगर आप हमारी क्लास ज्वाइन करते हैं, अगर आप हमारी क्लास कर रहे हैं तो आपको किसी भी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप क्लास नहीं कर रहे हैं तो आप एक रेफरेंस बुक ले सकते हैं। तो देखिए रेफरेंस बुक कौन सी ले ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपको जैसे ये देखने को मिलेंगी, इसके अलावा आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड कि ये भी कुछ लोग जैसे कि देखते हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा ये वाली बुक, आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल, जैसे तो भारत की है, तो अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लेते हैं तभी आप इंडिविजुअल लीजिएगा। जैसे मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा ये विश्व का भूगोल है और भारत का भूगोल है, इसमें दोनों हैं। देखिए ये दो बुक आप रखिए इधर, तो देखिए ये वाली बुक आपको देखने को मिलेगी, इसमें भारत का भी भूगोल है और इसमें विश्व का भी भूगोल है। लेकिन आपको इसमें देखने को मिलेगा इतनी मोटी, देखिए आप देख सकते हैं ये ज्यादा मोटी है, आपको देखने को मिलेगा इसमें सिर्फ भारत का भूगोल दिया रखा है, विश्व का भूगोल इसके अंदर नहीं दिया रखा है, ये पूरी कंप्लीट है। यानी कि अगर आप यहाँ पर ऑप्शनल नहीं लेते हैं, सिर्फ जीएस के लिए पढ़ना चाहते हैं और मैप के थ्रू आपको अच्छा लगता है पढ़ना, तो आप यहाँ पर माजिद हुसैन के ले सकते हैं। इसमें मैप का उपयोग बहुत ज्यादा किया गया है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें देखिए मैप का उपयोग है बहुत ज्यादा किया गया है, वो काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें कंटेंट कम है, देखिए इसमें कंटेंट कम है, लेकिन अगर आपको कंटेंट, देखिए इसमें मैप बहुत ज्यादा है लेकिन इसमें कंटेंट आपको कम देखने को मिलेगा, देखिए मैप बहुत ज्यादा इसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप जैसे इस ये वाली बुक देखेंगे तो इसमें मैप कम है, देखिए इसमें थ्योरी बहुत आपको देखने को मिलेगी, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें देखिए मैप बहुत कम देखने को मिलेगा और थ्योरी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो अगर आपको मैप ज्यादा अच्छा लगता है तो आप ये वाली ले सकते हैं, और अगर आप अलग अलग पढ़ना चाहते हैं, आपको आपके पास समय है अभी अच्छा खासा, अगर आप लोग 2023 के बाद में पेपर दे रहे हैं, आपको लगता है नहीं यार मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो आप इस वाली को ले सकते हैं। ओके, अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाली लीजिए या फिर इसका ही एक अल्टरनेटिव आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसका ही एक अल्टरनेटिव देखने को मिलेगा, महेश कुमार बड़वाल, ये आपको थोड़ी लेटेस्ट देखने को मिलेगी और ये ज्यादा बेटर लगी मुझे। अगर आप पूछेंगे इन दोनों में से कौन सी अच्छी है, तो मैंने देखिए इन सारी बुक्स को पढ़ा है आप लोगों के लिए। लास्ट बार मैं आपको माजिद हुसैन से पढ़ाया था और जो भी मेरी नॉलेज है और मैं अपने स्टाइल में थोड़ा पढ़ाता हूँ, तो आप देख सकते हैं जो ये नोट्स हैं ये माजिद हुसैन के ही बने हुए हैं। ये नोट्स आप देखेंगे ये कहाँ से बने हुए हैं, माजिद हुसैन के ही, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो नोट्स हैं ये आपको माजिद हुसैन के आपको देखने को मिलेंगे। देखिए जैसे ये ब्रह्मांड है ना, तो ब्रह्मांड का मैंने ये नोट्स बनाया है, तो सेम आपको चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे देखिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें, जैसे गैलेक्सी दिया रखा है, यूनिवर्स दिया रखा है, यूनिवर्स के बाद में इस तरह से रेगुलर गैलेक्सी है, स्पाइरल गैलेक्सी है। तो देखिए इधर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखिए मैंने यूनिवर्स फिर गैलेक्सी, गैलेक्सी के टाइप जैसे कि आपको रेगुलर गैलेक्सी देखने को मिलेगा, रेगुलर गैलेक्सी भी डिस्क होती है, ये होती है। तो मैंने देखिए सेम नोट्स बनाए हैं, ये किसके हैं,
इस मैंने आपको पिछली बार जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने माजिद हुसैन साहब लोगों के लिए पढ़ाया था, और जो ये सारे ये पूरा नोट्स बना हुआ है, बहुत ही अच्छा नोट्स बना हुआ है, देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये सारा माजिद हुसैन से पढ़ाया था। लेकिन इस बार आप लोगों के लिए इसमें और भी कंटेंट ऐड मिलेगा। इस बार मैं आप लोगों के लिए महेश कुमार बड़वाल भी इसमें ऐड कर दूंगा। महेश कुमार बड़वाल का भी मैं आपको इसमें थोड़ा कंटेंट देने वाला हूँ। वैसे पहले मैंने इस एनसीईआरटी का कंपाइलेशन और इस माजिद हुसैन का कंपाइलेशन और इसके अलावा जो एनसीईआरटी जो अदर एनसीईआरटी है उनका कंपाइलेशन आप लोगों के लिए लास्ट बार पढ़ाया था। लेकिन इस बार मैं आपको वो सारी जो हमारा का नोट्स है इसी में मैं कुछ ऐड करने वाला हूँ, किससे, महेश कुमार बड़वाल से इसमें थोड़ी चीजें ऐड कर दूंगा। ओके, लेकिन पढ़ाएंगे हम अपनी ही स्टाइल में जैसे आप लोगों के लिए पढ़ाते थे, तो आप लोगों के लिए और बहुत कुछ नया मिलने वाला है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। मैं पर्सनली मैं इसको पढ़ा हूँ तो मुझे काफी अच्छी लगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है तो मैं आपको बता सकता हूँ कौन सी बुक कैसी है, तो ये वाली आप लोग ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में कोई भी बुक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को बहुत लोग भटकाते होंगे, परेशान करते होंगे, तो अगर आपके पास में कोई सी बुक है इनमें से, तो जो भी आपके पास में बुक है आप वही बुक रखिए, उसी को पढ़िए, मल्टीपल टाइम पढ़िए, एक सब्जेक्ट की एक ही बुक लीजिए, ज्यादा मत लीजिए। क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, वरना मैं भी एक ही बुक रखता हूँ और मुझे पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता। जैसे इस नोट से इसी मैं ऐड कर दूंगा बस, और कुछ नहीं करूंगा। तो आप इसको ही पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, एक बुक को आपको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार टाइम मिले आप इसको रिवाइज करते रहिएगा। अच्छा, थोड़ी सी बात हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये देखिए एक बहुत बड़ा डाउट रहता है, मैं सारी यहाँ पर सारी चीजें हटाता हूँ, फिर आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे आप लोगों के अंदर एक छोटा सा डाउट होगा कि जैसे ये एनसीईआरटी है, ये हमको पढ़नी चाहिए, या फिर ये जो एनसीईआरटी जो आती है 6 से लेकर के 12 तक की, इसमें एक साथ में दे देता है, मतलब इसका कंपाइलेशन इसमें होता है, क्या हमें ये पढ़नी चाहिए या फिर ये वाली पढ़नी चाहिए। वैसे ये वस्तुनिष्ठ वाली है, वो वाली मिल नहीं रही थी, वो नीचे वाले रूम में हमारे पड़ी हुई है एक्चुअली, पता नहीं बहुत सारी बुक्स लोग उठा ले जाते हैं। अभी 11th क्लास की एनसीईआरटी भी नहीं मिल रही है मेरे पास में, तो वो नहीं मिल रही थी, मैं ये वाली उठा लाया हूँ, कोई बात नहीं, वो भी ऐसा ही उसका भी पेज होता है, आप समझ लीजिएगा बस। ओके, तो आपको देखने को मिले, आप लोग डाकूमेंट डालिएगा हमारे रूम पर, अगर कि बोले कि आरजी सर की यहाँ बहुत बुक्स हैं, चलो जा करके डाका मारते हैं। डाका नहीं मारना है किसी को, तो देखिए आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इस बुक को पढ़ें या फिर इन सारी बुक्स को पढ़ें। तो देखिए कोई ज्यादा अंतर नहीं है, चाहे आप इसको पढ़िए या फिर इसको पढ़िए, फर्क इतना ही है, इसमें कंपाइल कर दिया है, आपको इसमें भी सभी चीजें देखने को मिलेंगी, 95% चीजें इसमें ही, इसमें भी आपको देखने को मिलेंगी जो एनसीईआरटी में। लेकिन आप अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे सर आप बता दीजिए कि मुझे कौन सी पढ़नी चाहिए, एक बहुत सारे लोग सोचते हैं, तो देखिए अगर आप 2023 में पेपर दे रहे हैं, आपके पास में समय कम है, तो आप क्या ले सकते हैं, ए वाली ले सकते हैं, समय कम है तो। ओके, तो आप ए वाली भी ले लीजिए। अगर आपके पास में समय पर्याप्त है तो आप एनसीईआरटी खरीद के लेके आइए, इनको पढ़िए। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए आप जब पढ़ेंगे तो एकदम बेसिक से उठाई जाती है चीज, और उसमें आप लोगों से क्वेश्चन किए जाते हैं और उसी वे में आपको समझाया जाता है, तो इसकी लैंग्वेज ज्यादा सरल है, जो एनसीईआरटी है इनकी लैंग्वेज ज्यादा सरल देखने को मिलेगी। तो आपके पास में अगर पर्याप्त समय है तो डेफिनेटली यही लीजिए, और परेशान नहीं होना है। एक और चीज यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी लें या फिर न्यू एनसीईआरटी लें, तो ज्योग्राफी की आपको न्यू एनसीईआरटी ही लेनी है, ओल्ड एनसीईआरटी नहीं लेनी है, लिख करके ले लीजिए। अगर किसी के पास में ओल्ड है तो उसको न्यू नहीं लेनी है, तो आपको न्यू एनसीईआरटी ही लेनी है, किसी के चक्कर में नहीं पढ़ना है। लोग आपको परेशान करते रहते होंगे, बुद्धू बनाते रहते होंगे, लेकिन आपको बुद्धू नहीं बनना है, आपको बोलना है कि हम आरती सर के साथ में ज्वाइन है। ओके, और इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे डीआर खुल्लर है, ये जो एमसीक्यूज के लिए बहुत सारी बुक्स आपको देखने को मिलेंगी, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये जैसे कि ये एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक है वो आपको दे दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं मिलता है तो आप लोग एक मैसेज करिएगा, आपको 2011 से लेकर के 2022 तक के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर फुल HD में विदाउट वाटर मार्क के आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। एक चीज और हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर अभी हम देखिए एग्रीकल्चर की, और साथ में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हम इन्वायरमेंट की अभी बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग PCS का पेपर देते हैं तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज और आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देते हैं,
बस एक सेकेंड रुकिएगा, ये देखिए आपको देखने को मिलेगा इस तरह से जीएस घटना चक्र आपको देखने को मिलेगा। ओके तो देखिए अगर आप लोग क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, जैसे 2023 में अगर आप लोग पेपर देना चाहते हैं, आपके पास में समय कम है, तो आप इस घटना चक्र को पढ़ सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी पीसीएस के लिए। और स्पेशल जो यूपी स्पेशल के लिए आपको ए वाला पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव है। जैसे कि देखिए आपको उत्तर प्रदेश का भूगोल भी तो पढ़ना पड़ेगा, तो उत्तर प्रदेश के भूगोल पे ऐसे बहुत कम पेज में है, मतलब 16-17 पेज में दिया रखा है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश के बारे में ही दिया रखा है। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए भौगोलिक परिचय, ये भौगोलिक परिचय दिया रखा है इधर, और इधर थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, ये ज्योग्राफी का है सिर्फ, और इसमें सारे सब्जेक्ट आपको इतने में ही देखने को मिलेगा। अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं, ये वैसे आपको देखने को मिलेगा राज नारायण द्विवेदी जी की आती है, आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं, काफी अच्छी बुक आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसका अपडेटेड वर्जन हो तो ले लीजिएगा, नहीं लेना चाहते तो देखिए इसका हमारा पेज है वो उड़ गया है, टहलते टहलते लगता है कहीं भाग गया है, कोई बात नहीं। तो देखिए ये 2022 का लेटेस्ट आपको देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश तथ्य सार करके आता है, इसमें आपको सभी करंट अफेयर अपडेट मिल जाता है। देखिए नवीन संस्करण 15 मई 2022 तक आघातन इसमें देखने को मिलेगा, मतलब करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा, मोदी जी दिख रहे हैं ना इधर, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें सार करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। तो देखिए अगर आप ए वाला नहीं लेना चाहते तो आप लोग ए वाली ले सकते हैं, इसमें ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगे। ये किसके लिए है, ये पीसीएस के लिए। ओके तो पीसीएस के लिए जैसे ये तो आपको पढ़ना है, इसके अलावा पीसीएस आपको पढ़ना है। चलिए मैं एक बार आपको कंक्लूड कर देता हूँ, क्योंकि मैं इतनी सारी चीजें दिखा चुका हूँ, हो सकता है आप लोगों के लिए कंफ्यूजन हो गया हो। देखिए मैं आपको एक सेकेंड और यहाँ पर चीजें दिखा देता हूँ, देखिए आपको देखने को मिलेगी ये सारे टेस्ट पेपर हैं, मतलब टेस्ट पेपर नहीं, प्रीवियस ईयर के आपको पेपर देखने को मिलेंगे, ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इनमें आप लोग देखिएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को पढ़ने में, और हम तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ इस बार प्रोवाइड कराने वाले ही हैं, तो परेशान नहीं होना है। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए कंक्लूड कर देता हूँ एक बार, तो देखिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना है 11 से 12 तक की, और अगर समझ में नहीं आती है तो आप 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक एटलस आपको लेना है, क्या लेना है, सिर्फ एक एटलस लेना है, कोई सा भी ले सकते हैं, मुझे ओरिएंट ब्लैकस्वान ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग ऑक्सफोर्ड का भी ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से एक ही लेना है, दो नहीं लेना है। ओके तो एक जो भी लेना चाहते हैं ले लीजिए, मेरी वाने तो आप ओरिएंट ब्लैकस्वान भी ले सकते हैं, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। ओके इसके अलावा आपको क्या चाहिए, एक आपको चाहिए कोई भी बुक, ए वाली बुक नहीं लेनी है, ऐसा नहीं है हम इसका प्रचार कर रहे हैं, कोई प्रचार विचार वाली नहीं है, आपको कोई भी आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर मिल जाए या फिर आपको एमसीक्यूज मिल जाए तो कोई भी आप ले सकते हैं, एक आपको ये लेनी है, और आपको एक आपको रेफरेंस बुक ले लेनी है। तो रेफरेंस बुक में हम आपको प्रेफर करेंगे महेश कुमार बड़वाल, जो कि काफी अच्छी है, इसमें कंटेंट भी है और कंटेंट के साथ में मैपिंग भी बहुत जबरदस्त है, एकदम आपको मजा आ जाने वाला है इस बुक को पढ़ने के बाद में। आप सोच रहे होंगे महेश कुमार बड़वाल ने क्या हमको प्रमोशन के लिए पैसा वैसा दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें इतनी क्लियरिटी के साथ में सारी चीजें समझाई है ना, पढ़ने के बाद में मजा आता है, मतलब एकदम एक बार पढ़ने बैठ जाओगे ना, मन नहीं हटता है कि इसको छोड़ो, न लगता है एक बार में इसको पूरा पूरा खत्म कर दो, ऐसा मजा आता है इसमें। एक एक चीज देखिए इतनी क्लियरिटी के साथ में बताया है, एकदम खुश हो जाता है दिल देख करके। ओके तो आपको इतना ही लेना है, समझ में आ गया, एनसीईआरटी एटलस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको या फिर प्रैक्टिस पेपर आपको ले लेना है, एक रेफरेंस बुक ले लेनी है, बस इतनी ही लेनी है। और अगर आपके पास में कोई भी रेफरेंस बुक है, कोई भी, मैं हम आपको बोल रहे हैं अगर ये आपके पास में नहीं है, मान लेते हैं ये है या फिर आपके पास में कोई और है, तो आप वही रखिए, किसी के चक्कर में मत पड़िए, कंटेंट सभी में लगभग में 90% सेम ही होता है, केवल लाइनें आगे पीछे, भाषा आपको दूसरे देखने को मिलेगी और कुछ नहीं है, बस आपको लोग भटकाते रहते हैं, तो भटकना नहीं है, आराम से प्रिपेयर करना है। लास्ट चीज आपको बता देते हैं कि ज्योग्राफी को प्रिपेयर करने में कितना समय लगता है, ज्योग्राफी को प्रिपेयर करने में ये कोई नहीं बता सकता कि आपको ज्योग्राफी में प्रिपेयर करने में कितना समय लग सकता है, लेकिन अगर आप हमारे साथ अगर ज्योग्राफी प्रिपेयर करेंगे, क्लास के साथ में अगर आप ज्योग्राफी प्रिपेयर करेंगे, तो केवल और केवल
2 घंटे अगर आप देंगे और 1 घंटे रिवीजन के लिए देंगे, यानी कि अगर आप 3 घंटे देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आपका 1.5 से 2 महीने में आपको ज्योग्राफी कवर हो जाएगा, मजे मजे में कवर हो जाएगा। ओके, तो 1.5 से 2 महीने मजे मजे में कवर हो जाएगा, सिर्फ 2 घंटे क्लास करिएगा और आधा 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये गारंटी हम आपको देते हैं। क्योंकि देखिए, हम इतना सारा कंटेंट पढ़ चुके हैं, इतनी बार आपको ज्योग्राफी पढ़ा चुके हैं, तो आप लोगों को मजा भी बहुत आता है, तो इस वजह से ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो सारे डाउट्स आपके, हम सारे डाउट्स हैं वो आपके क्लियर कर दिए। और अलग अलग बुक नहीं लेना है, जैसे ज्योग्राफी की अलग, भारत का भूगोल अलग ले लिया, विश्व का भूगोल अलग ले लिया, ऐसे नहीं, एक ही ले लेना है, मोर देन इनफ है। अगर आप ऑप्शनल नहीं लेना चाहते, अगर ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और अगर आप 2024-25 में अगर टारगेट कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं लेने की, वरना कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, चलिए इस लेक्चर को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हम यहाँ पर ही वीडियो को फिनिश करते हैं। एक बार अपना मुखड़ा यहाँ पर दिखा देते हैं, 1 सेकेंड, एक क्या हो गया। तो ये सारी चीजें आप लोगों को उम्मीद करते हैं पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी। अगर इसके इन वीडियो को देखने के बाद में अच्छा खर्चा कितना आ जाएगा, तो अगर आप सारी बुक्स बुक्स खरीदेंगे तो लगभग में आपका 1200 से 1300 रुपए का खर्चा आ जाएगा, उससे ज्यादा नहीं आने वाला है, कमी कम में हो जाएगा आप लोगों का काम। तो ज्यादा आप लोगों को पैसा बर्बाद नहीं करना है। ओके, तो मतलब 1200 नहीं लगेगा, इससे भी कम लगने वाला है, क्योंकि आपको इतनी सारी बुक्स नहीं लेनी है, एक एक लेनी है, हम आपको बता दिए थे। मतलब 1000 से कम में ही आपका काम चल जाएगा, पैसा नहीं है तो उसका भी हमने बताया था जुगाड़, तो वो पैसे कैसे जुगाड़े करनी है वो भी हम बताए थे। नहीं, जिसको भी जानना हो कमेंट कर दीजिए, उसको कमेंट में हम बता देंगे। ओके, तो चलिए हम इस लेक्चर को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, आपके वो भी डाउट क्लियर किया जाएगा। ओके।